वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम 31 अक्टूबर से इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैच खेलेगी, जिसमें शाई होप कप्तान है और शिमरोन हेटमायर की वापसी हुई है। बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन का करियर विवादों से भरा रहा है। उनका आखिरी टेस्ट भी विवाद में उलझा हुआ है और वे बांग्लादेश लौट नहीं पा रहे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी किताब में वीरेंद्र सहवाग के खिलाफ अपमानजनक व्यवहार और तानाशाही का आरोप लगाया है। सहवाग का जवाब अभी आना बाकी है। भारतीय क्रिकेट टीम 1 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट खेलेगी, जिसमें हर्षित राणा को शामिल किया गया है। यह उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत का मौका है। दक्षिण अफ्रीका के टोनी डी जॉर्जी ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 146 गेंदों में अपना पहला शतक बनाया, जिससे उनकी टीम ने मजबूत शुरुआत की। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में कई बदलाव कर सकती है। जसप्रीत बुमराह को आराम और केएल राहुल को विकेटकीपर के रूप में शामिल किया जा सकता है। वानखेड़े स्टेडियम में 1 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का अंतिम मैच होगा। मुंबई की पिच शुरुआती दिनों में बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जा रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट 1 नवंबर से मुंबई में होगा। केन विलियमसन कमर की चोट के कारण बाहर हैं, लेकिन इंग्लैंड सीरीज में लौट सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 1 नवंबर को मुंबई में खेला जाएगा। जीत के लिए भारत को हर हाल में सफल होना होगा। सेनुरन मुथुसामी ने 2 अक्टूबर 2019 को भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया, जिसमें उनका पहला विकेट विराट कोहली का था।